फ्रेंड्स, आज जो हम बाइक का डिटेल देख रहे हैं ये है पल्सर 150। बेसिकली ये टॉप मॉडल है। इसमें अब आपको तीन मॉडल मिलने लग गया है। ये है ट्विन डिस्क वेरिएंट, इसमें सिंगल डिस्क भी मिलेगा, और एक और है जिसमें आपको बेसिक सा है नियोन। तो टोटल तीन वेरिएंट मिलते हैं। कंप्लीट डिटेल्स की बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इसमें नया है। हालांकि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप देखते हैं तो काफ़ी अपडेटेड क्लस्टर आपको मिल जाता है यहाँ पे। जो फीचर्स आपको पहले नहीं मिलता था वो फीचर भी आपको मिलने लग गया है 150 में, ट्विन डिस्क वेरिएंट में। डिटेल्स की बात करेंगे इससे पहले, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम IDS _ज्ञान, और इन्जॉय करो आप सिनेमेटिक्स। फिर हम बात कर लेंगे डिटेल्स की। फ्रंट लुक ट्विन डिस्क वेरिएंट 150 का। यहाँ पे अगर आप टायर सेक्शन देखते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों आपको मिल जाता है। 17 इंच का टायर, यूरो ग्रिप का टायर मिलता है ब्लॉक पैटर्न में। फ्रंट में आपको जैपर पैटर्न दिया गया है, सिंगल चैनल ABS है। 280mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, एंड ड्यूल पिस्टन कैलिपर आपको देखने को मिल जाएगा। बाइब्रेक का, हालांकि इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट आई थिंक बाइब्रेक का कैलिपर है इसमें। एलॉय व्हील मिल जाता है फ्रंट एंड रियर दोनों। फ्रंट फेंडर पे आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा जो आप देख रहे हैं, ब्लैक कार्बन फिनिश, एंड ये रेड कलर की ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर सेम आपको पर्ल वाइट एंड ब्लैक में, ये है 150 जो ट्विन डिस्क वेरिएंट है, पर्ल वाइट कलर है ये। इस पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा कार्बन फाइबर रेड एंड पर्ल वाइट। इंडिकेटर आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिबल विथ बल्ब। अगेन जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं ये है कम्प्लीटली हेलोजन बल्ब मिलेगा इसमें। LED ट्रीटमेंट अभी तक आपको नहीं मिल रहा है पल्सर में। बजाज का एक बैजिंग यहाँ पे दिख जाएगा जो लोगों आप देख सकते हैं स्टिकर। ये विंडशील्ड है, एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में जिसपे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक देखते हैं तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस पर भी आपको जो ग्राफिक्स दिया गया है, जो इसका कॉस्मेटिक्स डिज़ाइन है, काफ़ी अपडेटेड है। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टिकरिंग। ये पर्ल वाइट है जिसपे आपको ये कार्बन फाइबर ग्राफिक्स दिए गए हैं, एंड ब्लैक एंड रेड कलर का ये स्टिकर जिसपे आपको 3D पल्सर का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आप अगेन हैंडल बार पे देखेंगे तो स्प्लिट हैंडल बार मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच है, एंड ये रहा सेल्फ, दैट्स इट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी अपडेटेड है प्रीवियस वाले से, तो कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो डबल हॉर्न मिल जाएगा यहाँ पे, अंडरबेली काउल, कैटलेटिक कन्वर्टर, अगेन वन साइडेड गियर लीवर मिलेगा यहाँ पे, 5-speed गियर बॉक्स के साथ मिल जाएगा पल्सर 150। ट्विन स्पार्क इंजन है इसका, DTSI इंजन। राइट साइड में देखेंगे तो एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्ट या फिर सेल्फ स्टार्ट कह लो। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो आपको मिल रहा है वो है इसमें, आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्टर। एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि आपके पास अगर कोई फ्यूल इंजेक्टर बाइक है तो उसमें आपको पेट्रोल 2.5 से 3 लीटर रखना मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपका जो फ्यूल पम्प है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे सेंटर पैनल देखते हैं तो एक और नया अपडेट देखने को मिलेगा। सेंटर पैनल में आपको मिलेगा कम्प्लीटली कार्बन फाइबर लुक में, ग्लोजी फिनिश का सेंटर पैनल है। हालांकि ये कार्बन फाइबर नहीं है, बट लुक देख के एक बार आप ज़रूर कहेंगे कि ये कार्बन फाइबर ही है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रियर ब्रेक पैडल, ये काफ़ी छोटा सा एंड आई थिंक सेम है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया गया है। पहले जो था सिंगल आता था गियर लीवर के जैसा, पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है। यहाँ पे जो पैडिंग देख रहे हैं ये भी थोड़ा ब्रॉड है पहले से।
सीट अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है। एंड कुशनिंग की बात करूँ अगेन तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। स्प्लिट ग्रैब हैंडल बार मिल जाता है पीछे में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 150 की बैजिंग। एंड लेफ्ट साइड में आपको साइड गार्ड मिलेगा विथ नो लेडीज फुटरेस्ट। ओपन चैन सिस्टम मिल जाता है। रियर में भी आपको 17 इंच का टायर मिलेगा, बट टायर जो यहाँ पे अपडेटेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको मिलेगा कम्प्लीटली ब्लॉक पैटर्न में टायर, जो कि आपको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों काम आएगा। अगर आप सिटी राइड करते हैं तो भी बढ़िया है, अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस टायर का, जो कि ब्लॉक पैटर्न टायर आपको मिलता है। रियर में आप देखेंगे यहाँ पे टेल लैम्प, तो सिग्नेचर स्टाइल जो पल्सर का है वो आपको कम्प्लीटली LED टेल लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट, नंबर प्लेट माउंट एंड ये रहा रिफ्लेक्टर। तो रियर से कुछ ऐसा आपको नज़र आता है पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट। पीछे का टायर काफ़ी ब्रॉड है। टायर का साइज़ बता दूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 120 सेक्शन का टायर, 120x80 17 इंच का टायर। सो ये है ओवरऑल लुक जो आपको पल्सर में मिलता है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें क्या अपडेट हुआ है। ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं RPM लिमिट लाइट, इंजन रेडी लाइट, ये है टैकोमीटर। राइट साइड में आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन दिख जाएगा, ABS का बटन दिख जाएगा। एंड दूसरा जो आपको दिखेगा न्यूट्रल लाइट, यहाँ पे लो बीम हाई बीम एंड ये रहा साइड इंडिकेटर। यहाँ पे कुछ आपको रीसेट का ऑप्शन दिया गया है या मोड्स, इसको आप देखते हैं। यहाँ पे आपको अब फ्यूल इकोनॉमी भी दिखता है कि क्या आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है। दूसरा आपको मिलता है ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ऑडोमीटर। तो ये जो यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी दिया गया है, ये नया अपडेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्लियरली दिखेगा यहाँ पे आपको किलोमीटर पर लीटर जो आ रहा है यहाँ पे। साथ में दो चीज़ और ऐड किया गया है, एक है यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर एंड दूसरा जो है लो बैटरी इंडिकेटर। साथ में साइड स्टैंड अलार्म भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो 150 ट्विन डिस्क है, काफ़ी अपडेटेड है। पहले आपको ये सब फीचर नहीं मिलता था, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर है या फिर फ्यूल इकोनॉमी क्या है, क्या माइलेज आपको मिल रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलता था। तो ये सब अपडेटेड फीचर है जो कि एक पल्सर सेगमेंट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पहली बार देखने को मिला है सर्विस रिमाइंडर एंड जो फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलेगा वो चीज़। तो वंस अगेन आप देख लो ओवरऑल लुक बाइक का, ये है ओवरऑल लुक। जो आपको एक बार 360 व्यू दे दूं, ये रहा 360 व्यू जो आप देख रहे हो पल्सर 150 ट्विन डिस्क का। तीन कलर मिल जाएगा आपको, पर्ल वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो एक बार आपको इनका ऑफिशियल नेम बता दूं, वॉल्केनिक रेड, पर्ल वाइट एंड स्पार्कल ब्लैक, ये तीन कलर आपको मिल जाता है पल्सर 150 में। तीन वेरिएंट जैसा कि मैंने आपको बताया था 150 में। ये रहा नियोन जो आप ये देख रहे हो, नियोन में आपको ये डिटेल फीचर्स नहीं मिलेंगे। साथ में एक दूसरा ये है जो कि सिंगल डिस्क वेरिएंट है पल्सर में, इसमें आपको अगेन वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिल रहा है ट्विन डिस्क वेरिएंट में। जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखते हैं तो इसमें आपको इतना डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो एक ये रहा जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है, ये रहा नियोन एंड ये है ट्विन डिस्क वेरिएंट। ट्विन डिस्क वेरिएंट को काफ़ी अपडेट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एक बार कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना है दिल्ली में। एंड यस, इसमें क्रैश गार्ड भी आता है जो कि आप पीछे देखेंगे यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो अगर दिल्ली में आप इसका ऑन रोड प्राइस देखते हैं तो 126,600, मतलब 126,600 के आसपास प्राइस है इसका ऑन रोड दिल्ली में। शोरूम वाइज 100-200 रुपये डिफरेंस हो सकता है। एंड अगेन स्टेट वाइज ये प्राइस सेम नहीं होगा, क्योंकि टैक्स का जो है वो फर्क होता है स्टेट बाई स्टेट। तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप में संपर्क कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट सिटी में क्या प्राइस है इसका। सो दैट्स ऑल, ये थी वीडियो पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड
डू लाइक दिस वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी इज moto_gyan, एंड यस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय अनदर चैनल दैट इज धीरज चौधरी, वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगा आपको जो मेरे राइड का होता है, तो एक बार उसको भी चेकआउट करो, एंड इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए राइट से पेंड ऑन फॉरगेट से जय हिंद।